हेलो, मेरा नाम आकांक्षा है। सो मैं आज तक बायजूस में काम करती थी, बट लेकिन आज मेरी पीटीएम थे, फिर उसके बाद एक मेल आया जिसमें सडन टर्मिनेशन का मेल था। वो 7:10 पे मेरी मीटिंग थी और इन्होंने मुझे निकाल दिया। 1.5 साल मैंने काम किया, एक छुट्टी नहीं थी और कुछ एक रीअसाइनमेंट नहीं था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। मैनेजर ने कहा परफॉर्मेंस के बेस पे हुआ, बिहेवियर के बेस पे हुआ। एचआर ने बोला ऐसी कोई बात ही नहीं थी। ये चाह रहे हैं कि हम फोर्सफुल रेजिग्नेशन दे दें और इस चीज़ के लिए ये बोल रहे हैं कि अगर आप अपने आप रेजिग्नेशन दे रहे हो तब आपको 1 तारीख को सैलरी मिलेगी। अगर आप इमीडिएट अगर आप चाहते हो कि कंपनी आपको निकाल दे तब आपको आज की डेट में निकाल दिया जाएगा, लेकिन सैलरी में 30 से 45 दिन टाइम लगेंगे। तो वो 30 से 45 दिन मैं खाने के लिए कहाँ से लाऊँगी? मेरे घर पे कोई और नहीं है जो मैं काम कर सके। मैं उनकी बात थी कि ये 1 साल बाद वेरिएबल पे देंगे, इन्होंने वो भी नहीं दिया। मैंने उस बेसिस पे लोन उठा लिया। लोन उठाने के बाद लेंडर्स मेरे पीछे पड़े हैं। मैं कहाँ जाऊँ, मुझे बताइए मैं क्या करूँ? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। 1 तारीख को ये कह रहे हैं कि सैलरी नहीं देंगे, हम कहाँ से खाएंगे? मेरे घर पर कोई काम करने वाला आदमी नहीं है। इन्होंने पेरेंट्स के पैसे खा लिए। जितने पीटीएम्स होते हैं सब में यही कहते हैं कि पेरेंट्स बोलते हैं पैसे वापस चाहिए या फिर ये प्रॉब्लम हो गई। सो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये सबके पैसे खा रहे हैं, सबको इमीडिएट टर्मिनेशन 1 महीने पहले ही बोल देते, हम कहीं और देख तो पाते। ये बोल रहे हैं कि अगर आपको 1 तारीख को सैलरी चाहिए आपको अपनी तरफ से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। अगर आपको 1 तारीख को सैलरी नहीं चाहिए, आप चाहते हो कंपनी इनिशिएटिव एग्जिट हो, तब आप क्या कर सकते हो? आपको एग्जिट मिल जाएगा बट वो सैलरी आएगी 30 से 45 दिन बाद, उसकी जिम्मेदार कौन होगा? मैंने जो लोन लिया था उसका क्या? मैंने तो इस भरोसे लिया था कि मुझे पैसे मिलेंगे, अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे क्या करना चाहिए? ऑलरेडी बायजूस जो कर रहा है वो ठीक नहीं है। पेरेंट्स के साथ फ्रॉड हो रहा है, एम्प्लॉई को सपोर्ट रेजिग्नेशन करने के लिए बोल रहा है। क्या ये कंपनी कभी आगे बढ़ पाएगी? कभी नहीं बढ़ पाएगी। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये? मुझे मेरा पैसा चाहिए, मेरे वेरिएबल के पैसे, मेरी अर्न ली, मैंने एक दिन छुट्टी नहीं ली, मुझे उसके पैसे, मेरी नोटिस पीरियड के पैसे और मेरी इस महीने की सैलरी। मुझे सिर्फ इतना पैसा चाहिए, 1 रुपया भी बेसी नहीं चाहिए। इन्होंने बोला है वेरिएबल पे, आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे होता है, परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही दीजिए, लेकिन मुझे मेरा पैसा चाहिए। पीएफ का क्लियरेंस मुझे चाहिए। ये सारी चीज़ें आप मुझे दे दीजिए, एसेट्स आप ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे सिर्फ मेरे पैसे से मतलब है। क्योंकि अगर मेरे पास 1 तारीख के लिए खाने के भी पैसे नहीं हैं, अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली मुझे कोई और गलत रास्ता चुनना पड़ेगा, जो आई गेस आप लोगों को किसी को भी समझ में नहीं आएगा। आज अगर मैं वो चीज़ अपनाती हूँ तो कल आपको भी अपनाना पड़ सकता है। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और अगर मैं या मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड है, उनकी तबीयत ख़राब है, अगर उनको कुछ हो जाता है या मुझे कुछ हो जाता है, मैं डिप्रेशन में आके मैं ऐसा कुछ कर लूँ, उसके पहले ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरी सुसाइड का जिम्मेदार, मेरी तबीयत ख़राब होने का जिम्मेदार, मेरे हस्बैंड की कोई भी प्रॉब्लम का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बायजूस होगा। और जिन्होंने ये सब किया है वो होंगे बायजू रविंद्रन सर। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ मेरे पैसे दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये हमें बोल रहे हैं कि अगर फ्यूचर में कोई निकलेगा कुछ तो आपको हम जगह देंगे। मुझे अब काम नहीं करना है इनके साथ, मुझे अब इनके साथ काम करना ही नहीं, क्योंकि ये डिज़र्व ही नहीं करते। और रही नरेंद्र मोदी जी की बात, भारत सरकार न्याय की बात करते हैं, आप बाहर जाके न्याय करते हैं, कम से कम अपने देश में न्याय कीजिए। देखिए क्या चल रहा है, पेरेंट्स के साथ गलत कर रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं, उनको क्लासेस नहीं दे रहे, एम्प्लॉयज़ के साथ गलत कर ही रहे हैं, उनको बिना बोले निकाल दे रहे हैं। आपके भी तो बच्चे होंगे, आपके भी तो घर में कोई होगा। आप सोच के देखिए, आपको अगर तुरंत टर्मिनेशन के लिए बोला जाए तो आपको कैसा लगेगा? आज ये टी शर्ट के बेसिस पे हूँ, कल नहीं रहेगा तब क्या करूँ? किसको बोलूँगी? मेरा ईमेल आईडी अभी 2 घंटे में डीएक्टिवेट हो जाएगा, ये लोग सारी चीज़ें ब्लॉक कर देंगे मेरी, मेरे पास कोई कम्युनिकेशंस नहीं रहेंगे, मैं क्या करूँ? क्या गारंटी है इनकी कि ये पैसा देंगे? ये लोग, इन लोगों ने मेरी सैलरी से मेरे पैसे काट लिए। इंटरनेट के पैसे इन लोगों ने नहीं दिए, बिना कुछ बोले, कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है। टर्मिनेशन के लिए सिर्फ एक मीटिंग लिंक भेज दी, एक लाइन में ये नहीं भेजा। इन्होंने ये बोलते ऑफिशियल ईमेल लिखना सीखो, इन्होंने ये पता सब्जेक्ट लिखना चाहिए, इन्होंने एक लाइन में मेंशन नहीं किया कि ये टर्मिनेशन मिलता। क्यों किया इन्होंने ऐसा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जब सब ब्लॉक हो जाएगा तो ये तो फोन कॉल्स के भी रिप्लाई नहीं करते। इनकी प्रोफाइल में इनके हंसते गाते फोटोज होते हैं, लेकिन इनको एम्प्लॉय की चीख सुनाई नहीं देती। स्टूडेंट का पैसा दो जाए नहीं तो मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे मेरे पैसे चाहिए, मुझे, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब है, मुझे कुछ भी होता है, मैं सुसाइड अगर अटेम्प्ट करती हूँ, मुझे कुछ भी होता है, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ बायजूस होगी और कोई नहीं।
और कोई भी नहीं, क्योंकि मरने के बाद शायद मैं आपको दोबारा बोलने ना आऊँ, इसलिए अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है बायजूस से, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब नहीं। प्रोटेस्ट करना भी इन्हीं से सीखा है, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना भी इन्हीं से सीखा है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोई बायजूस में नौकरी ना, कुछ भी कर ले, कहीं पढ़ा ले, कुछ भी कर ले, आप लोग बायजूस में नौकरी करके अपना टाइम बर्बाद ना करें। मैंने अपने 1.5 साल बर्बाद किया है, 1.5 साल, और आज मैं ये सिचुएशन पे हूँ। 1.5 साल रात दिन एक करके काम करने के बाद मेरी सुसाइड करने की अवस्था है, मेरी सुसाइड, ये देखिए मेरा आईडी कार्ड, मेरी सुसाइड करने की अवस्था है। आप लोग भी चाहते हैं आप लोगों के साथ ऐसा हो तो ओपन टू वर्क, कोई दिक्कत नहीं, अभी दे आर हायरिंग पार्ट टाइमर्स, काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। लेकिन अनुरोध यही है कि आप लोग मेरा पैसा देंगे ताकि मैं आराम से, मेरे जो भी है कम से कम मेरे अंदर ये गिल्ट नहीं रहेगा कि मेरे पैसे खा गए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्रेडिटर को देना है, समझिए बात को, आपको भी तो देना होगा क्रेडिटर को, कितने लोगों से लेकर रखा है आपने, टेंशन तो आपके दिमाग में भी होगी, आप भी तो अरेंज कर रहे होगे, मुझे अरेंज करने वाला, मेरे को देने वाला कौन है, आपको तो फिर भी बहुत मिल जाएंगे, मेरे तो मेहनत का पैसा था, आपका क्या पैसा था मुझे नहीं पता, मैंने आपसे कोई लोन नहीं मांगा, कुछ एडवांस नहीं मांगा, सिर्फ अपने हक के पैसे मांग रही हूँ, और मुझे ये पैसे चाहिए, मुझे सिर्फ ये पैसे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुझे अगर 1 तारीख को सैलरी मेरी नहीं आती, मैं रेजिग्नेशन नहीं दूंगी, अपनी तरफ से रेजिग्नेशन मैं नहीं दूंगी, लेकिन अगर नहीं देती तो 1 तारीख को सैलरी नहीं आएगी, तो इन्होंने सबसे बड़ा क्लॉज तो यही रखा है। ये बोलते हैं कंपनी इनिशिएटेड एग्जिट के लिए आपको 30 से 45 डेज वेट करना होगा, तभी आपके पैसे आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में मिलेंगे, और अगर खुद करती हूँ तब मेरी 1 तारीख को सैलरी आएगी। मुझे मेरे वेरिएबल के पैसे, मेरे PF की क्लियरेंस, मेरी सैलरी, जुलाई मंथ की सैलरी और नोटिस पीरियड की सैलरी, और साथ ही मेरे अर्न लीव के पैसे मुझे सिर्फ इतने चाहिए, बस और कुछ नहीं। मेरी जो वेरिएबल पे आप कहते हो परफॉर्मेंस के बेस पे, जो आपको लगता हो 75,000 मैक्सिमम होता है, आपको जो लगता हो कि मेरी परफॉर्मेंस किस लेवल की थी, मुझे वो चाहिए बस, और कुछ नहीं, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे ये गलत कदम उठाना पड़ेगा 1 तारीख के बाद, और करूँगी, ज़रूर करूँगी, क्योंकि मेरी ईमेल आईडी ब्लॉक हो जाएगी, मैं ऐसे भी कुछ नहीं कर पाऊँगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर ये ज़रा से सच्चे होते ना, तो शायद इनके ऊपर विश्वास करती और नेचुरल खुद ही एग्जिट कर जाती कि हाँ ये विश्वास रहता है कि ईमेल आईडी इनकी है, बट इनकी तो ईमेल आईडी काम ही नहीं करती, इनका कोई नंबर ही नहीं लगता, कहाँ जाऊँगी मैं, ये PF के पैसे जमा नहीं करते, क्या करूँ मैं बताइए आप, मुझे सिर्फ मेरे पैसे चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई वॉन्ट जस्टिस, दैट्स इट। अगर काम करने का ये अंजाम होता है तो शायद काम ना करना अच्छा है। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, ये इकोनॉमी कभी ग्रो नहीं कर सकती अगर आप लोग एम्प्लॉयज़ के साथ गलत करेंगे, तो ये कंपनी कभी ग्रो नहीं कर सकती। आई वॉन्ट सपोर्ट, अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ, देन शेयर दिस और आगे बढ़ाइए इस चीज़ को, और जिस तक पहुँचना चाहिए उसे पहुँचाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं गलत हूँ, अगर आपको ये लगता है कि मेरे साथ मैं नाटक कर रही हूँ ऐसा कुछ, तो आपको जैसा मन चाहिए आप वैसा कीजिए, प्लीज़ हेल्प मी आउट। और ये आपसे दरख्वास्त है कि घर में आपके भी खाने वाले होंगे, बच्चे की चीख सभी को सुनाई देती है, आपको भी सुनाई देगी, तब आपको एहसास होगा कि आपका बच्चा जब भूखा मरेगा तब आपको पता लगेगा कि क्या होता है ये। बायजू सर, आपने टाउन हॉल में बोला था, आज मैं आपको बोल रही हूँ, मेरी हेल्प कीजिए, सिर्फ मेरे पैसे दिलवा दीजिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी मेहनत के पैसे हैं वो, मेरी मेहनत के, जिसको मैंने बहुत कुछ सोच समझ के किया था, वो मुझे कर दीजिए प्लीज़।